अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले तो मुझे थैंक्स बोलना है, आप सबने इतने अच्छे कमेंट्स किए, इतनी प्यारी दुआएं दी मुझे लास्ट व्लॉग में, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं भी चाह रही थी एक ऐसा वीडियो लेके आऊं जिससे आप लोग मुझे थैंक्स बोलें, तो आज मैं आपके लिए आपका फेवरेट वीडियो लेके आई हूं, जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी रेमेडी बता दें जिससे हमारा कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल फेयर हो जाए, हमारी स्किन बिल्कुल वाइट हो जाए। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसी रेमेडी नहीं है जिससे आपका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर आप प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, पानी पीते हैं और प्रॉपर जो है ना वो रेमेडीज फॉलो करते हैं या कोई प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो फिर आपके कॉम्प्लेक्शन में बहुत ज्यादा आपको फर्क लगेगा, आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट भी होगा, आपको उसमें ग्लो भी नजर आएगा और स्किन हेल्दी होगी आपकी। मैं एक्चुअली डिटेल में इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन कुछ दिनों से इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी ना मुझे, क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है, तो कुछ लड़कियों की अपनी शादी है और बाकी सबने शादी अटेंड करने जाना है, तो सबको ही अपनी स्किन परफेक्ट चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जो भी चीजें मुझे पता है, जो हेल्पफुल है और वाकई जो वर्क करती है। तो मैंने अपनी सिस्टर से भी बात की है, मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो पाकिस्तान में होती है, उनका वहां पे अपना सैलून है और आई थिंक 20 ईयर्स हो गए हैं उन्हें इस फील्ड में, तो माशाल्लाह अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनको। तो जब भी मुझे कोई हेल्प चाहिए होती है, कोई चीज़ पूछनी होती है, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ और वो फिर मुझे गाइड कर देती हैं। अली नीचे बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, तो मैंने सोचा ऊपर आती हूँ और आराम से आपसे बात करती हूँ। तो हमारी सोसाइटी में गोरे रंग को लेके लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, इवन कि वो सब करने को भी तैयार होते हैं जो कि उनको पता होता है कि उनके लिए हार्मफुल है। तो मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहती हूँ कि खूबसूरती का ताल्लुक सिर्फ गोरे रंग से नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका कलर इतना फेयर होता है लेकिन स्किन इतनी डल होती है कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और ऐसे लोग भी मैंने बहुत से देखे हैं जिनका सांवला सा रंग होता है, बिल्कुल आम सा कॉम्प्लेक्शन होता है, लेकिन स्किन इतनी ग्लो कर रही होती है कि उन्हें बार बार देखने को दिल करता है। तो फीचर्स हमारे जो भी हो, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हमारा कॉम्प्लेक्शन जो भी हो हम वो भी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम अपनी स्किन को थोड़ा सा ग्रूम करें, हम अपनी स्किन पे तवज्जो दें, हेल्दी स्किन हो, शाइन करें, तो हम खूबसूरत लग सकते हैं। और मेरे नजदीक तो वो इंसान खूबसूरत है जो अंदर से अच्छा हो, और वही अंदर की खूबसूरती ही आपके चेहरे पे नजर आती है और आप खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, मैं जहां भी जाती हूँ ना अली मेरे पीछे आ जाता है, अभी मैं किचन में आई हूँ और आई एम श्योर के लिए भी यहाँ पे भी आ जाएगा। तो मैं ये कह रही थी कि जो भी लड़कियां सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह से अपना कलर फेयर करना चाहती हैं, अपनी स्किन को वाइट करना चाहती हैं, वो कोई भी ऐसी चीजें यूज ना करें जो हार्मफुल हों, जैसे कि इंजेक्शन या टैबलेट्स वगैरह। तो आप जो है हमेशा नेचुरल चीजों की तरफ जाएं, आपको थोड़ा सा झंझट जरूर लगेगा होम रेमेडीज में, लेकिन 100% आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और स्किन वाइटिंग में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है ना, वो है गोट मिल्क। अगर आपको फ्रेश गोट मिल्क कहीं से मिल जाता है तो वो बेस्ट चीज है आपके लिए। आप रॉ वो अपने फेस पे लगाएं एवरी डे, आपको कुछ उसमें मिक्स करने की भी जरूरत नहीं है, वो वैसे भी आपको रिजल्ट देगा। और एक रेमेडी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे भी क्योंकि गोट मिल्क अवेलेबल नहीं है, अभी मैंने जितना भी ढूंढा है मुझे नहीं मिला, तो मैं एक अल्टरनेटिव चीज उसके लिए यूज कर रही हूँ, आप भी वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 1 टीस्पून ओट्स का पाउडर लेना है और इसे अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। ये देखें बिल्कुल फाइन हो गया है। और इसके बाद इसमें मैं 1 टीस्पून ऐड करूंगी गोट मिल्क का पाउडर। जिस तरह से मार्केट में हमें ड्राई मिल्क मिलता है नीडो वगैरह, उसी तरह से हमें गोट मिल्क का पाउडर भी इजीली मिल जाता है। अगर आप ही किसी सुपर स्टोर पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने भी यहाँ अमेरिका से ही लिया है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है योगर्ट। मैंने 1 टेबलस्पून लिया है योगर्ट का, आपने उतना ही लेना है कि जिससे ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए और आप फेस पे अप्लाई कर सकें। अगर आप फ्रेश गोट मिल्क ले रहे हैं तो फिर आप योगर्ट कम डालेंगे, लेकिन अगर आप मेरी तरह ड्राई मिल्क ले रहे हैं तो फिर आप इसमें 1 टेबलस्पून ही डालेंगे, क्योंकि उसी से ही ये पेस्ट फॉर्म में आएगा। आपने इस तरह से पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है और ज्यादा लगाना है ताकि आपकी स्किन जो है वो पूरी तरह से इसे कवर हो जाए, और 15 मिनट्स के बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। मैंने अभी बाहर जाना था और मेकअप भी किया हुआ है, तो इसलिए मैंने फेस पे अप्लाई नहीं किया, लेकिन ये फेस के लिए है। और जो भी मैं मास्क वगैरह बताती हूँ, मैं अक्सर ऐसा होता है कि हाथ पे लगा के आपको दिखा देती हूँ जल्दी में, क्योंकि होता है कैमरे का एंगल पहले सेट करो और फिर आप जो है ना वो अप्लाई करते हो, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये क्विक लगाने वाली होती हैं, इनको थोड़ी देर भी रखो तो वो असर जो है ना उसका कम हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा जो है ना हाथ पे लगा के दिखा देती हूँ, लेकिन आप फेस पे अप्लाई किया करें।
ये रेमेडी आप एवरी डे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन कर लिया करें, उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आलू के छिलके मैंने नहीं उतारे थे, वो जो मैंने मास्क आपको बताया था, तो आपने भी नहीं उतारने, उसको अच्छे से पहले वॉश ज़रूर करना ताकि जो भी डर्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। क्योंकि आलू के जो छिलके होते हैं ना, वो हमारी एक्ने के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए और पिगमेंटेशन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आपने भी बिल्कुल वैसे ही उसका जूस बनाना है और उसमें हनी ऐड करके आपने लगा लेना है। तो एक दिन आप वो वाली रेमेडी कर लें, एक दिन ये वाली कर लें, और आप एक महीना अगर कर लेते हैं ना ये दोनों रेमेडीज़, अगर आप कंटिन्यू करेंगे इसको तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप कभी कभी करेंगे तो फिर भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि साथ में आपने हेल्दी डाइट भी लेनी है, क्योंकि हम जो अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं उससे ज़्यादा असर उस चीज़ का होता है जो हम खाते हैं। और पानी जो है वो एटलीस्ट 12 ग्लास जो है ना आपने डेली ज़रूर पीने हैं। और मिंट ड्रिंक जो है ना वो भी बहुत अच्छा है आपके स्किन के लिए। मैंने भी अभी स्टार्ट किया, एक दो दिन हुए हैं, लेकिन उसका अगर मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वरना आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लें, आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी कि किस तरह आपने मिंट टी बनानी है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने मिस नहीं करनी वो ये कि आपने एक्सरसाइज एवरी डे करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है और आपकी स्किन ग्लो करती है। इसके अलावा मैं काफ़ी चीज़ें आपको स्किन केयर के वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना ली है जिसमें सिर्फ स्किन केयर के वीडियोज़ हैं। तो जो लोग भी नए आए हैं, जिन्होंने नहीं देखी, वो सिर्फ वो वीडियोज़ देख लें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अभी बस हम लोग बाहर जाने लगे हैं, क्योंकि मुझे था कि जाने से पहले मैं ये वीडियो बना लूँ, क्योंकि वापस आने के बाद ना फिर और बहुत सारे काम थे। तो बच्चों को बाहर लेके जाना था, कब से कहा हुआ था उन्हें, तो अभी हम बाहर जा रहे हैं और आपको भी मैं साथ लेके जा रही हूँ। बाहर जाते हुए अक्सर आसमान पे इतना प्यारा व्यू होता है कि इंसान हैरान होता है देख के। नेचर की जो ब्यूटी है ना, इंसान क्रिएट कर ही नहीं सकता वो। खैर, अभी हम लोग आ गए थे स्पिरिट हैलोवीन। यहाँ पे हर तरह के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, बहुत बड़ा स्टोर है और बच्चे एवरी ईयर यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करते हैं, अपनी पसंद का कॉस्ट्यूम लेते हैं और पूरा साल वो पहन के घर में घूमते फिरते हैं। और हम लोग हैलोवीन से पहले इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यू वैरायटी आई होती है, तो बच्चों को बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम्स मिल जाते हैं। और अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ एक स्केरी सी जगह पे, तो जिसको भी डर लगता है ना, वो थोड़ा सा ख्याल से देखे। यहाँ स्टोर के अंदर ही इन्होंने एक एरिया डेकोरेट किया हुआ था, क्योंकि हैलोवीन आ रहा है तो ये लोग इन फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। हम लोग हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं करते, और बच्चों को भी हमने बताया हुआ है कि ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, तो वो सिर्फ फ़न के लिए जो है ना कॉस्ट्यूम लेते हैं और फिर कभी कभी पहन के घर में जो है ना वो आपस में खेलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर और तो कोई इतनी एक्टिविटीज़ होती नहीं है, ना कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो घर में उन्हें कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। इस बार तो अली भी बहुत एक्साइटेड था और वो कह रहा था कि मैं गोस्ट वाला कॉस्ट्यूम लूँगा। पता नहीं कहाँ से उसने देख लिया, तो उसके माइंड में आ गया कि मैं गोस्ट बनूंगा और सबको मैं डराऊंगा। बच्चे अपनी पॉकेट मनी से ही इस तरह की चीज़ें बाय करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड उन्हें पॉकेट मनी देते हैं एवरी वीक, तो वो सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कि उन्हें सेविंग की भी आदत होती है और इस चीज़ का भी पता चलता है कि कहाँ पे उन्होंने कितना स्पेंड करना है। अमान तो माशाल्लाह ठीक ठाक सेविंग कर लेता है, लेकिन आयतल जो है ना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है सेविंग करना, क्योंकि स्कूल में इनके अक्सर कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो वहाँ पर वो स्पेंड कर लेती है। इस बार क्या हुआ कि आयतल ने अच्छे खासे पैसे वहीं पर स्पेंड कर लिए स्कूल में, और पिछले दिनों इसने एक टॉय भी ले लिया था, तो अभी उसके पास बहुत थोड़े से पैसे रह गए थे। और अमान जो है वो उसको टीज़ कर रहा था कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं, तुम कॉस्ट्यूम नहीं ले सकोगी। आपको पता है भाई जो होते हैं ना, वो अपनी बहनों को तंग करने का कोई मौका जाने नहीं देते। तो आयतल जो है वो बेचारी ऊपर ऊपर से शो कर रही थी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस साल वो कॉस्ट्यूम नहीं लेगी तो, लेकिन अंदर ही अंदर से ज़ाहिर है वो फील कर रही थी, स्पेशली जब वो स्टोर पे आई और उसने कॉस्ट्यूम देखे। तो हमने फिर उसे ऑफ़र की कि अगर वो चाहे तो हमसे लोन ले सकती है और फिर बाद में वो पे कर देगी। अब हमने बच्चों को अच्छे से बताया कि लोन लेना और इस तरह की चीज़ें करना अच्छी बात नहीं होती, और मुझे बहुत खुशी हुई जब आयतल ने कहा कि नहीं मुझे लोन नहीं लेना, मुझे आगे जब बर्थडे आने वाली है तो आप लोग 4 गिफ्ट देंगे, उसमें से एक मेरा माइनस कर दें और आज मुझे कॉस्ट्यूम लेने दें।
और हमने उसे बिल्कुल लास्ट में ऑफ़र की थी, जब अमान और अली का कॉस्ट्यूम लेके हम चेकआउट कराने लगे थे ना, तो तब हमने उसे कहा था, क्योंकि हम चाह रहे थे थोड़ा सा वो रियलाइज़ करे कि सेविंग करना कितना ज़रूरी होता है। बच्चे जो है ना, इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही लर्न करते हैं, और आई एम हैप्पी कि उसने अच्छा डिसीजन लिया, आज लोन नहीं लिया उसने, और आई होप कि वो आगे फ्यूचर में अच्छे से सेविंग करेगी और दोबारा से इस तरह की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि माँ ने जितना टीज़ किया ना, उसको अच्छे से सबक मिल गया होगा। बच्चे जब कॉस्ट्यूम्स चूज़ कर रहे थे, तो मैंने फिर पूरे स्टोर का ही क्लिप ले लिया था कि आपके साथ शेयर कर लूँगी, और आपने देखा होगा कि यहाँ हर तरह के कॉस्ट्यूम्स हैं, मास्क हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने अपने लिए कॉस्ट्यूम चूज़ करना होता तो आप कौन सा चूज़ करते। हम लोग जब वापस जाने लगे ना, तो मुझे एक शरारत सूझी, और मैंने ये जो भाई साहब बैठे हैं ना यहाँ पे, इनका एक क्लिप इंस्टा की स्टोरी पे शेयर किया, जो अच्छा खासा स्केरी था। फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब के लिए भी एक क्लिप बना लेती हूँ, क्योंकि डिफरेंट एंगल से बनाना होता है। तो तब तक ये भाई साहब नाराज़ हो चुके थे, और मैंने जितना भी सेंसर को वो प्रेस किया, जो कुछ किया, ये नहीं उठे। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी वायर में नीचे। आप लोग अगर चाहें तो इंस्टा की स्टोरी पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग वापस आ गए थे घर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमने कौन कौन से कॉस्ट्यूम्स लिए। ये आयतल ने जो कॉस्ट्यूम लिया था वो है क्वींस ऑफ हार्ट्स का कॉस्ट्यूम, और जब ये बच्चे पहनेंगे ना कॉस्ट्यूम्स, तो मैं कमिंग व्लॉग्स में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसे लग रहे थे पहन के। आयतल को ना प्रिंसेस टाइप के कॉस्ट्यूम्स पसंद है, तो एवरी ईयर वो ऐसा ही कुछ लेती है। और अमान जो है वो सुपर हीरोज़ में से कुछ ले लेता है, इस बार उसने थोड़ा स्केरी लिया, ये स्केलेटन बना हुआ था तो ये उससे अच्छा लग रहा था। और अली के लिए हमने लास्ट ये लिया था कैप्टन अमेरिका का कॉस्ट्यूम, जो उसने पहले तो नहीं इतने शौक से पहना, लेकिन बाद में फिर उसने पहना था। और यहाँ पे आज उसने लिया था ये बम्बल बी का कॉस्ट्यूम, ये ट्रांसफॉर्मर है एक्चुअली, और पहन के क्यूट लगेगा, मैं इंस्टा की स्टोरी पे भी लगा दूँगी जैसे ही वो पहनेगा। तो ये था आज का ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।